छड़ों से लदे दो ट्रेलर छोटी पुल पर पकड़ाए, यातायात पुलिस की कार्रवाई। दोनों ट्रेलर से लगभग 450 लीटर डीजल भी हुआ चोरी। जब आफत आती है तो चारों तरफ से आती है, पुराने जमाने की बनी यह कहावत पूर्णतः लागू होती है। रायगढ़ से सरिया लादकर गोविंदगढ़ के पास नहर का काम चल रहा है, पर सरिया लेकर चले ट्रेलर पर दोनों ट्रेलर रायगढ़ से चले थे। कायदे से उनको बेला से गोविंदगढ़ की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन उनको किसी ने रीवा का रास्ता बता दिया। अजनबी ट्रक ड्राइवर पड़ा में आकर रात्रि में विश्राम करने लगे। रात में अज्ञात चोरों ने दोनों ट्रकों से 450 लीटर डीजल चुरा लिया। सुबह दोनों को यह बात पता चली, लेकिन यह पता नहीं चला वो लोग नो एंट्री जोन में आ गए हैं। छोटे पुल पर यातायात पुलिस ने दोनों ट्रेलरों को रोक लिया और चालानी कार्रवाई कर डाली। कहा जा सकता है जब आफत आती है तो चारों ओर से आ जाती है, पहले रास्ता भटकना, फिर डीजल चोरी होना, उसके बाद यातायात पुलिस का चालान। ये बातें कुछ ऐसे ही इशारा करती हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं आना था। ये गाड़ी तो गलती हो गया है। ये गाड़ी कैसे लेके आ गए शहर में नो एंट्री के बाद? सर जी, हम लोग नहीं जानते थे, इसलिए कोई बताया भी नहीं। एक होटल वाला से मेन रोड पर पूछे न कि रीवा जाना है, तो बोला कि यही रास्ता जाएगा। सर जी, हम लोग नया आ गए, रीवा में उतारना है। जी, रीवा में उतारना था, हम लोग को बाईपास जाना था, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आया रीवा में कहाँ उतारना। वो रोड का जो नहर का काम हो रहा है सर जी, पहाड़ी पर वहीं पर सर जी। हम लोग डीजल देखिए ना, तालाब लतूर के सब डीजल भी चुरा लिया लोग पीछे होटल वहाँ पर। हाँ, टोटल धार लिया है लोग। देख रहे तालाब तुम सर सारा डीजल चुरा लिया था। फिर हम लोग आए गाड़ी से, तेल डाले, हम लोग समझ में सुना। अरे सर जी, माफ कर दिया सर।